फ्रेंड्स, तो आज मैं ऑफिस से जल्दी निकला हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट से मिलने के लिए। वो सोलापुर में रहता है, यहाँ पे आया है स्टेम सेल थेरेपी के लिए, तो मेरे घर के नज़दीक में है। उन्होंने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, तो मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं। मैं स्टेशन पे आ गया हूँ, अभी स्टेशन से ट्रेन पकड़ के जाऊँगा। मैं कब से ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, ट्रेन अभी तक आ नहीं रहे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए, देखते हैं कब तक ट्रेन आती है। गाइस, ट्रेन आ गया है, मैं ट्रेन में। हम लोग हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं, बस पूरा बिल्डिंग दिख रहा सामने, न्यूरोजन हॉस्पिटल। मैं भी इसमें आया था इस स्टेम सेल थेरेपी के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, न्यूरोजन हॉस्पिटल है, ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट। मैं इसी में आया था, इसमें मैं मिलने आया हूँ अपने स्पाइनल कॉर्ड दोस्त से मिलने। न्यूरोजन हॉस्पिटल में तो पहुँच गया, लेकिन मुझे नहीं मालूम किस फ्लोर पे है वो। मैं कॉल लगा रहा हूँ, फ़ोन उठा नहीं रहे। मैं वहाँ पे वेटिंग रूम में वेट कर रहा हूँ, जब वो फ़ोन उठाएंगे तो मैं मिलने जाऊँगा। देखते हैं कितने समय बाद फ्री होते हैं। अब तो मिल के ही जाऊँगा मैं, क्योंकि मेरा एक अलग ही एक्साइटमेंट है, मुझे खुद मिलने की इच्छा हो रही है। सी यू गाइस। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ, बोल रहा हूँ, कौन से फ्लोर पे हो? कौन से फ्लोर पे एडमिट हो? 7th फ्लोर पे, बेड नंबर 708। ओके, ठीक है, मैं आता हूँ। गाइस, उन्होंने बोला 7th फ्लोर पे बेड नंबर है, 708, 7th फ्लोर पे 708। पूरा बिजी है, तो मैं सीढ़ियों से जा रहा हूँ 7th फ्लोर तक। ये बहुत अच्छा लग रहा है, 6th फ्लोर पे पहुँच गया हूँ। मैं एक फ्लोर ऊपर चले गए, 13th फ्लोर पे चला गया। यहाँ पे कभी मेंशन नहीं किया कि कौन सा फ्लोर है, आ गया मैं। अभी यहाँ पे आ गया हूँ इनसे मिलने के लिए। मुझे बहुत मतलब अच्छा फील हो रहा है इनसे मिल के, इनके डैड, मॉम, डैड और अंकल। और कुछ बोलना चाहेंगे मतलब कुछ मेरे दर्शकों को, मतलब जो भी देखेंगे? हाँ, वही उनको बोलना है ना, मैं तो बोलूँगा। ओके, मतलब ओके, तो अपने ही लैंग्वेज में बोलो ना, कोई ऐसे। ओके, तो लेकिन बट आप सोलापुर में रहते हो ना? सोलापुर तो महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में आता है, बॉर्डर पे। हाँ, वो तो बॉर्डर पे है। ओके ओके, बस आपको तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आप तो मतलब काफ़ी अच्छे हैं, मतलब आपका पैर, एंकल का मूवमेंट करके दिखाओ, ये फिंगर का मूवमेंट करके दिखाओ। नहीं होता है? ओके, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। मेरा नहीं होता था। हाँ, मेरा भी सीधा नहीं होता है, पता है, अभी भी पूरा मतलब सीधा, मतलब अगर बेड पे ऐसे रखता हूँ ना तो ऐसे हो जाता है, साइड में ऐसे गिर जाता है। सेम ऐसे मेरा भी होता था। अभी सीढ़ी चढ़ के आया मैं, लिफ्ट मतलब वो था, लिफ्ट से नहीं आया मैं ट्रैक करता हूँ, वीडियो देखे रहेंगे मेरा। पूरा 2000 फीट, 3000 फीट मैं ऊपर चढ़ता हूँ।
सामान तो कुछ नहीं था, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। नी में चलने के लिए नी ब्रेस चाहिए। डॉक्टर आपको तो बताएंगे क्या क्या चाहिए रहेगा। कुछ भी जो आपको मतलब आता है बोल दो। और भाई कुछ बोलोगे? बस ऐसे ही रहोगे? ठीक होना है कुछ तो बोलो। बस भाई को ठीक होने का है। बस एक्सरसाइज करते रहो, अपने डाइट पर ध्यान रखो। अंकल आंटी आप भी इनसे करवा के लो, ज़बरदस्ती आप भी करवा के लो, ठीक है? 100% ठीक हो जाओगे। गाइस अभी मैं मिलके आया उनसे, उनके पैरों का मूवमेंट अभी नहीं हो रहा है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है। लेकिन मैंने बताया कि आपको अपने ऊपर भरोसा और एक्सरसाइज 100% करने का है, तो आप तभी जल्दी ठीक हो पाएंगे। थोड़ा प्रोसेस थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको 100% एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। मम्मी पापा थे उनको भी बोल दिया हूँ, उनके वहाँ पे जो अंकल थे उनको भी लिया कि ज़बरदस्ती करवा के लो। और डाइट पे भी मतलब वो बोल रहे हैं कि खाते पीते नहीं है, तो उनसे मतलब जो भी उनका प्रोटीन डाइट है उनसे मतलब खा खिवा के लो। थैंक यू गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और औरों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।